हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अभी तक अपन प्लांट किंगडम में दो फाइलम कर चुके हैं, एक एल्गी और एक ब्रायोफाइट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, टेरिडोफाइट के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज जो अपन को याद होनी चाहिए वो ये है कि टेरिडोफाइट जो है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट थे जिनके अंदर, या फर्स्ट प्लांट भी कह सकते हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो हो गए डेवलप हो गए थे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स आर इवोल्यूशनरी द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू हैव वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोयम। तो अगर आपको पूछे कि फर्स्ट प्लांट कौन से थे जो जिनमें जाइलम फ्लोयम होते हैं, तो वो कौन से थे, टेरिडोफाइट। इसके आगे वालों में तो होंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम तो होंगे, लेकिन इनमें फर्स्ट टाइम थे। क्या काम करते हैं जाइलम और फ्लोयम, वेस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं, ये जो होते हैं फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। देखो, क्रिप्टोगेम्स जो थे उनमें अपन ने देखा था कि एल्गी और कौन आता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आता है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस में आते हैं, फेनेरोगेम्स में आते हैं। और जितने भी क्रिप्टोगेम्स थे वो सारे एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों कैसे थे, नॉन वेस्कुलर थे, लेकिन ये वेस्कुलर है। इसलिए अगर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के बारे में पूछा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, टेरिडोफाइट होगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। देखो, एक चीज थी, फर्स्ट लैंड प्लांट पूछे तो अपन को क्या लिखना था, ब्रायोफाइट्स, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, टेरिडोफाइट के बारे में। लेकिन ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि इनका जब रिप्रोडक्शन अपन स्टडी करेंगे तो जो मेल गैमिट बनेगा वो फीमेल गैमिट तक पहुंचने के लिए वाटर रिक्वायर करता है। इसका मतलब दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से थे, ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन से थे, टेरिडोफाइट। लेकिन ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या कारण लिखेंगे, क्योंकि इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स का क्या था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब एज यूजुअल अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैबिटेट के बारे में। तो देखो, टेरिडोफाइट कहां पर होता है, इनका हैबिटेट लगभग ब्रायोफाइट जैसा ही होता है, कूल डैम्प सैडी प्लेस होते हैं, और कभी कभी ये सैंडी सॉइल में भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसे भी अपन समझेंगे अभी बाद में। अभी के लिए आप याद रखें कि टेरिडोफाइट का हैबिटेट क्या है, कूल डैम्प सैडी प्लेस, और कुछ जो टेरिडोफाइट होते हैं वो सैंडी सॉइल में भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर की, और यहां पर फर्स्ट मेजर डिफरेंस आता है कि अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट जब अपन ने किए थे तो वहां पर एक लाइन लिखते थे कि जो मेन पेरेंट बॉडी है वो कैसी होती थी, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होती थी। लेकिन यहां पर जो मेन पेरेंट बॉडी है वो कैसी होगी, स्पोरोफाइट होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, और ये जो होता है डिफरेंशिएटेड होती है किसके अंदर, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम में, रूट लाइक लीफ लाइक ऐसे नहीं, ट्रू लीफ होती है, ट्रू रूट होती है और ट्रू स्टेम होता है। अब किसे ट्रू बोलेंगे, लीफ और रूट और स्टेम तो उसमें भी थे, उनकी रूट लीफ और स्टेम में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, इनकी रूट लीफ और इनके स्टेम में क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। दीज ऑर्गन हैव वेल डिफरेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू, यही वजह इन्हें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना, जब अपन आने वाली क्लासे, जो आगे आने वाले चैप्टर होंगे उनमें जब अपने टिश्यू वाला टॉपिक करेंगे, तो जब जाइलम और फ्लोयम के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर जाइलम और फ्लोयम के कंपोनेंट करवाए जाते हैं, क्योंकि ये टिश्यू है तो कुछ ना कुछ सेल का कलेक्शन होगा। तो ये जो टेरिडोफाइट का जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती, और फ्लोयम जो होता है उसमें कंपेनियन सेल नहीं होती। ठीक है, तो टिश्यू तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनकी जाइलम में वेसल्स नहीं होती और फ्लोयम में क्या नहीं होती, कंपेनियन सेल नहीं होती। अब आगे लेते हैं लीफ के बारे में। यहां पर जो लीफ होती है वो लीफ के बेसिस पे जो टेरिडोफाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्या उनके ऊपर लीफ जो है वो छोटी छोटी लीफ है या बड़ी लीफ है। अगर लीफ छोटी है तो ऐसे टेरिडोफाइट को कहेंगे माइक्रोफिलस, क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस, और अगर लीफ जो है वो लार्ज है तब इसे कहेंगे मेगाफिलस। माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल क्या होगा, सेलेजिनेला,
और जो मेगाफिलस जो होंगे जितने भी फर्न्स आते हैं, फर्न्स कॉमन नेम है, तो उनमें जितने भी फर्न्स आते हैं उन सबको अपन किस में रखेंगे, मेगाफिलस में रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब एक पर्टिकुलर प्लांट की जो लीफ होती है वो दो तरह की होती है। एक लीफ तो ऐसी होती है फोटोसिंथेटिक लीफ, जिसे अपन जनरली जानते हैं, लीफ क्या काम करती है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस करेगी। तो इन टेरिडोफाइट में जो होती है फंक्शन के बेसिस पे लीफ दो तरह की होती है, उसमें से एक लीफ ऐसी होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, उन्हें कहते हैं ट्रोपोफिलस। क्या कहते हैं? ट्रोपोफिल कह सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रोपोफिल जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, अभी अपन ने देखा था, माइक्रोफिल मतलब छोटी होगी, मेगाफिल मतलब बड़ी होगी। एक और तरह की लीफ होती है जो रिप्रोडक्टिव लीफ कहलाती है, क्योंकि इनके अंदर स्पोरेंजियम होती है और स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल होगी जिसे कहेंगे स्पोर मदर सेल, और फिर उनमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे। क्योंकि इन लीफ के अंदर स्पोर बनेंगे इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। तो टेरिडोफाइट की जो लीफ होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है अपनी कौन सी, ट्रोपोफिल, और एक कौन सी होती है, स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल क्या काम करती है, ये फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, और स्पोरोफिल रिप्रोडक्टिव होती है या स्पोर बनेंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो रिप्रोडक्टिव लीफ दे हैव स्पोरेंजिया, सिंगुलर स्पोरेंजियम, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, और ये स्पोर प्रोड्यूस करेगी किससे, मियोसिस से। देखो एक चीज याद रखो, स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर बनाएगा, गैमिटोफाइट जो होगा वो गैमिट बनाएगा, स्पोरोफाइट जो होता है वो हमेशा मियोसिस से क्या बनाता है, गैमिट बनाता है, सॉरी स्पोर बनाता है, और गैमिटोफाइट जो होगा वो क्या करेगा, गैमिट बनाएगा, जनरली उसके लिए क्या यूज करता है, वो माइटोसिस यूज करता है, ठीक है, प्लांट किंगडम में ऐसे ही चलेगा। अब यहां जो स्पोरोफिल है वो भी दो तरीके से हो सकती है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होती है, कुछ प्लांट में कुछ इस तरीके का होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये इसका नीचे अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, यहाँ पर रूट है, ये ट्रू रूट है, और ये वाला पार्ट जो है वो स्टेम है, इसका कुछ पार्ट जो होता है अंडरग्राउंड होता है। अब अंडरग्राउंड पार्ट होगा तो उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, स्टेम का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड है उसे अपन ने क्या लिखा, राइजोम, ठीक है। और जो ऊपर जो स्टेम का पार्ट निकला हुआ उसके ऊपर लीफ निकली रहती है, ये कौन सी वाली है, फोटोसिंथेटिक लीफ है। और सबसे ऊपर देखो ये छोटी छोटी सी ऐसे कॉम्पैक्ट सी लीफ है, ये भी लीफ ही है, और कौन सी है, स्पोरोफिल लीफ है, और सारी की सारी ग्रुप में, और ग्रुप में आकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे कहते हैं स्ट्रोबिलस, सिंगुलर स्ट्रोबिलस, प्लूरल वर्ड होगा स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल प्रेजेंट होती है कुछ प्लांट के अंदर, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई, और उसे कोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसमें होता है, सेलेजिनेना में, और किसमें होता है, इक्विसिटम में, जबकि फर्न्स वगैरह में कोई कोन वोन नहीं होते, उसमें स्पोरोफिल ऐसे नॉर्मली होती है, ठीक है, ग्रुप में कोई कोन के फॉर्म में नहीं होती। एक और चीज, स्पोरोफिलस जो है उस पे स्पोर कैसे बनते हैं, उसके बेसिस पे स्पोरोफिल जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। वो स्पोरोफिल या वो प्लांट जिसकी स्पोरोफिल पे जितने भी स्पोर लगते हैं सारे एक जैसे हो, उन प्लांट को कहेंगे होमोस्पोरस। और वो प्लांट जिसकी स्पोरोफिल पे अलग अलग तरीके के स्पोर लगते हैं, बड़े और छोटे अलग तरीके के स्पोर लगते हैं, उन्हें कहेंगे हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस क्या होता है, जितने भी स्पोर बनेंगे उस प्लांट पे सारे एक ही तरह के होंगे, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस कंडीशन ही होती है। और हेट्रोस्पोरस, कुछ हेट्रोस्पोरस होंगे, याद रखना है, एक तो सेलेजिनेला और एक साल्विनिया, ठीक है, क्या है नाम, साल्विनिया। देखो आप जब आगे पढ़ोगे तो एक प्लांट आएगा साल्विया, साल्विया अलग प्लांट होता है, वो एंजियोस्पर्म होता है, और ये है साल्विनिया, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों एग्जांपल जो है इनमें हेट्रोस्पोरस होते हैं, इसमें मतलब अलग तरह के स्पोर बनेंगे, एक बड़े स्पोर बनेंगे और एक छोटे स्पोर बनेंगे, छोटे स्पोर को कहेंगे माइक्रोस्पोर और बड़े स्पोर को कहेंगे मैक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो दो तरह के स्पोर बनते हैं, तो हेट्रोस्पोरस, और सारे स्पोर एक जैसे है तो होमोस्पोरस, ठीक है। तो ये अपना था किसके बारे में, टेरिडोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो कोई तकलीफ नहीं है इसमें, अच्छे से आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन इसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन,
और इसी रिप्रोडक्शन को अपन पूरे एक साइकिल पैटर्न में देखेंगे, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट भी कह सकते हैं, या कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपन स्टडी कर रहे हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो ये मेन पेरेंट बॉडी से स्टार्ट करते हैं। जो टेरिडोफाइट की मेन पेरेंट बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, इसका मतलब वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। ये मल्टी सेलुलर होती है, इसमें रूट स्टेम लीफ सबका डिफरेंशिएशन होता है, फोटोसिंथेटिक होती है और वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट होती है, इसका मतलब पूरे लाइफ साइकिल का जो मेजोरिटी ऑफ टाइम पीरियड होगा उसमें वो जो टेरिडोफाइट है किस फॉर्म में होगा, स्पोरोफाइटिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो लॉन्ग लिव्ड भी होती है। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरोफिल होती है, ऑब्वियस थिंग है स्पोरोफाइट के ऊपर है, इसका मतलब जनरली ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, ठीक है। और ये वो लीफ है जिसके अंदर क्या होती है, स्पोरेंजिया। अब इसी स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया होती है और उसी स्पोरेंजिया की कुछ सेल क्या कहलाती है, स्पोर मदर सेल कहलाती है, जो भी कैसी होती है, डिप्लॉयड। यहां पर होता है मियोसिस, ये याद रखें, स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो अभी तक यहां सारा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड था, ऐसे स्पोरोफाइट पे क्या बन गए, स्पोर बन गए, जो कि कैसे है, हैप्लॉयड। और क्यों बने हैप्लॉयड, क्योंकि यहां स्पोर बनते समय मियोसिस हुआ। अब ये स्पोर जो है जर्मिनेट होते हैं और ऑब्वियस थिंग है एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, क्योंकि ये खुद स्पोर कैसे है, हैप्लॉयड, उसे अपन हैप्लॉयड प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और टेरिडोफाइट के केस में इस गैमेटोफाइट को कहते हैं प्रोथेलस, क्या कहते हैं, प्रोथेलस। जैसे आपको याद हो तो ब्रायोफाइट्स में अपन ने नाम दिया था, एक बीच में स्ट्रक्चर बना था, हालांकि वो बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्पोरोफाइट था, उसे प्रोटोनिमा नाम दिया था। यहां पर मेन प्लांट बॉडी जो थी वो स्पोरोफाइट थी और बीच में एक स्ट्रक्चर बना है गैमेटोफाइट, जिसको क्या बोला, प्रोथेलस। अब इस प्रोथेलस के बारे में भी अपन को कुछ चीजें याद होनी चाहिए। पहला तो प्रोथेलस का शेप जो होता है वो कैसा होता है, हार्ट शेप होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसका मतलब गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है और स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये याद रखना कि टेरिडोफाइट के केस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है तो ये फ्री लिविंग हो सकता है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये इनकॉन्स्पिशियस है। अब इसका क्या मतलब है कि ये क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बहुत स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नॉन वेस्क्युलर होता है, ये याद रखें। टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी थी, वेस्क्युलर, लेकिन जो ये प्रोथेलस बनता है वो कैसा होता है, नॉन वेस्क्युलर, मल्टी सेलुलर होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यही वजह है कि अपन यहां पर लिख रहे हैं कि जो मेन पेरेंट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट, क्योंकि यहां पर टेरिडोफाइट में तो दोनों ही बन रहे, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, और दोनों ही फोटोसिंथेसिस कर रहे, तो फिर मेन किसे बोले, तो जो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होगी, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है, इसलिए मेन पेरेंट बॉडी क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट कहलाती है, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। अब जो गैमेटोफाइट जो होती है उसको हमेशा कूल डैम्प सैडी प्लेस ही चाहिए, और यही वजह है कि टेरिडोफाइट भी कहां ग्रो करते हैं, कूल डैम्प और सैडी प्लेस में ग्रो करते हैं। और गैमेटोफाइट जो होगी अभी गैमेट बनाएगी, और इनके गैमेट एक दूसरे के पास में फ्यूज तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक वाटर नहीं है, क्योंकि मेल गैमेट स्विम कैसे करेगा, तो गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे उसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और इन दोनों रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो टेरिडोफाइट होता है वो सिर्फ ऐसी जगह ही ग्रो कर सकता है जहां पर पानी हो, आसपास कूल हो, डैम हो, सैडी प्लेस हो, और यही वजह है कि टेरिडोफाइट जो है वो ज्यादा जगह पर नहीं पाए जाते, वो कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया पर ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो ड्यू टू दीज रेस्ट्रिक्शन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। अगर आपको पूछे कि टेरिडोफाइट जो होते हैं इतनी कम जगहों पर ही क्यों होते हैं, तो उसका कारण है कि उसका जो गैमेटोफाइट जो होता है उसे एक तो वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए जब उसमें गैमेट बनेंगे, और एक गैमेटोफाइट को खुद को कैसी चाहिए, कूल डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए। क्यों चाहिए ऐसा, क्योंकि उसके खुद के अंदर क्या नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। अब गैमेटोफाइट को ये सब चाहिए, इसका मतलब प्लांट यहीं पर ही हो सकता है, तो इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये ऐसा होता है। अब जो ये गैमेटोफाइट, जो ये प्रोथेलस है, इसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में माइटोसिस से क्या बनेंगे, मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड, आर्किगोनियम में माइटोसिस से फीमेल गैमेट जो कि क्या होगा, एक्सेल। माइटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉयड है। फिर इन दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन कैसे होगा, एंथ्रेजॉइड जो होंगे
वो स्विम करते हुए कहां तक चले जाएंगे, एक्सेल के पास में, ठीक है। वहां पर क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड, फिर उसमें माइटोसिस होगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसमें और माइटोसिस से डेवलप्ड मेन पेरेंट बॉडी बन जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से टेरिडोफाइट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज तो ये इसमें जो पॉइंट है सारी याद रखें, स्पोरोफाइट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पोरोफिल क्या होती है, स्पोर बनते समय कौन सा सेल डिवीजन होता है, गैमिट बनते समय कौन सा सेल डिवीजन होता है, गैमिटोफाइट कैसे बनता है, गैमिटोफाइट को क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। एक और चीज, ये जो लाइफ साइकिल मैंने अभी बताया, ये मैंने बताया होमोस्पोरस का, किसका बताया, होमोस्पोरस का। यही वजह है मैंने यहां स्पोरोफिल के ऊपर ये नहीं लिखा कि मैक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर, दोनों स्पोर एक जैसे ही है, सारे स्पोर एक जैसे ही होते हैं, ये होमोस्पोरस का है। अब जो हेट्रोस्पोरस होता है उसमें कुछ चेंजेज होते हैं और उन चेंजेज के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, अभी अपन उसे समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और इससे अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते और लेते हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें क्या, किस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। देखो तो लगभग तो एक जैसा ही है, लेकिन कुछ की डिफरेंस है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो उनकी भी मेन पेरेंट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट ही होगी, उनके ऊपर भी क्या होंगे, स्पोरोफिल होंगे, लेकिन उनमें जो स्पोरेंजिया होंगी वो दो तरह की होगी, एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेट होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और उसपे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, और जो मेगा स्पोर होगा जो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेट बनाएगा उसपे सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल गैमेटोफाइट जो होगा कंप्लीटली फ्री लिविंग होगा, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में यहां पर एक की डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है, ठीक है। जो ये जो बना था, क्या बना था, अपने मेगा स्पोर, ये जो होता है उसके अंदर ही, स्पोरोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो मैन स्पोरोफाइट बॉडी थी उसके अंदर ही क्या होती है, ग्रो करती है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है, मतलब इसके आगे ऐसा ही होगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो स्पोरोफाइट के अंदर ही बनेगा। तो अगर आपको पूछे कि फर्स्ट टाइम किस प्लांट में गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है या फिर उसके अंदर ही रिटेंड रहता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, टेरिडोफाइट। अगर ऑप्शन में टेरिडोफाइट होमोस्पोरस और एक ऑप्शन में टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस हो तो हेट्रोस्पोरस, क्योंकि ऐसा सिर्फ हेट्रोस्पोरस में होता है, ठीक है। और जो मेल गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा इसके ऊपर क्या होगी, आर्किगोनियम, और उसमें क्या बनेगी, एक्सेल। एक और चीज, ये जो एंथ्रीडियम है ये मूव करते हुए किस तक आएंगे, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम का है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट का है स्पोरोफाइट के अंदर। इसका मतलब मेल गैमेट कहां आएगा, स्पोरोफाइट के अंदर ही आएगा। इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी स्पोरोफाइट में ही होगा, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट के अंदर ही है, तो वहीं पर अंदर ही होगा जायगोट, और कुछ आगे का जो डेवलपमेंट है वो भी वहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ, जायगोट फॉर्म्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रियो इन फीमेल गैमेटोफाइट। ये दोनों किसमें होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, रिटेंड है किसके अंदर, पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है। और ये जो तरीका है, ये जो इवेंट है, इसके लिए अपनी बुक लिखती है कि दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। ये सीड हैबिटेट का प्रीकर्सर है, हालांकि इनमें सीड जर्म सीड नहीं बनते, लेकिन सीड बनने का जो हैबिटेट, जो मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहां से स्टार्ट हो गई है। जिनमें भी सीड बनेंगे, जो कि आगे के प्लांट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें भी फीमेल गैमेटोफाइट को किसके अंदर होना पड़ेगा, पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर होना पड़ेगा। उनमें भी फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है, उनमें भी जायगोट का डेवलपमेंट उसके अंदर ही स्टार्ट होता है, ऐसा तो इसमें भी हुआ था, इसीलिए इसे प्रीकर्सर बोलते हैं सीड हैबिटेट का। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रीकर्सर ही क्यों बोलते हैं, फिर सीड बन ही क्यों नहीं गया। तो इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा समझना है कि सीड बनने के लिए चार रिक्वायरमेंट है।
पहला तो जो पेरेंट बॉडी होती है वो हेट्रोस्पोरस होनी चाहिए, मतलब उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग बनने चाहिए, जो कि यहां बने थे। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो मेन स्पोरोफाइट जो पेरेंट बॉडी थी उसके अंदर ही रिटर्न होनी चाहिए, जो भी यहां पर था, ये दो तो था। लेकिन तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो स्पोरेंजिया होती है उसके चारों तरफ एक इंटेग्यूमेंट होना चाहिए, और ये इंटेग्यूमेंट बाद में सीड के चारों तरफ कवरिंग बनाएगा, वो इसमें होता नहीं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो जाकर फिर क्या होना चाहिए, उसमें एक रेस्टिंग फेज आनी चाहिए। अब सब जानते हैं सीड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, सॉइल नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उसमें एक वो रेस्टिंग फेज आती है। तो यहां पर रेस्टिंग फेज भी होनी चाहिए, ये चारों जिसमें भी होगी उसमें सीड बनेगा। ऊपर के दो फीचर टेरिडोफाइट में होते हैं, पर टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। टेरिडोफाइट में जो जो अपने एम्ब्रियो बनना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर जो एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली मतलब पूरा डेवलपमेंट एक साथ ही हो जाएगा, जैसे ही जायगोट से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा पूरा एम्ब्रियो बनेगा और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्टिंग फेज आई नहीं। इन दो फीचर नहीं होने की वजह से टेरिडोफाइट जो है सिर्फ प्रीकर्सर कहलाता है सीड हैबिटेट का, उसमें सीड नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो है ये हेट्रोस्पोरस में थोड़ा अलग से, होमोस्पोरस में ये सब नहीं है। हेट्रोस्पोरस में अलग क्या होता है, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, मेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसी वजह से बाद में फर्टिलाइजेशन भी वहीं पर होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी वहीं स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज मैं बताता हूं, ये जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उसके बाद में ये जो एम्ब्रियो होगा वो बाहर आ जाएगा, अंदर रिटेन नहीं रहेगा, जबकि यहां पर जो आगे के जो प्लांट पड़ेंगे उनमें जो होगा वो अंदर के अंदर ही रिटेन रहता है। ठीक है, तो ये एक और चीज का डिफरेंस है। यहां स्टार्ट में तो क्या होता है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही हो जाएगा, उस समय भी फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो रिटेन नहीं रहता। जबकि जिन प्लांट में सीड हैबिटेट होती है उनमें जब तक सीड नहीं बन जाते जब तक वो अंदर ही रिटेन रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इसमें नहीं हो पाए, इसमें सिर्फ ऊपर के दो पॉइंट है, यही वजह है कि टेरिडोफाइट क्या होता है, सीड हैबिटेट का प्रीकर्सर होता है, और वो भी कौन से टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस। कोई तकलीफ नहीं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहा है क्लासिफिकेशन। टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन अपने डिटेल में है नहीं, अपन को चार क्लासेज के नाम और उनके एग्जाम्पल लर्न करने, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं और इसी के साथ अपना टेरिडोफाइट कंप्लीट भी हो जाएगा, वो है टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन। तो देखो टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन में टेरिडोफाइट जो फाइलम है इसको चार क्लासेज में डिवाइड करते हैं। अपन को इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं याद रखना, चार क्लासेज के नाम और उनके एग्जाम्पल याद रखने। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, फिर है स्पिनोप्सिडा और फिर है टेरोप्सिडा। ठीक है, जो साइलोप्सिडा जो होती है उसका एक एग्जाम्पल याद रखना है साइलोटम, और ये एक तरह का लिविंग फॉसिल है, याद रखना। लिविंग फॉसिल क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था, आप में से किसी को पता है तो कमेंट पर लिख के बताइए कि लिविंग फॉसिल्स होते क्या है और कहां पर आपने ये पहली बार सुना था। इसी साल मैंने आपको 11th के किसी ना किसी लेक्चर में सबसे पहली बार लिविंग फॉसिल्स के बारे में बताया था। सेकेंड कैटेगरी होती है लाइकोप्सिडा, इसके जो एग्जाम्पल याद रखने हैं वो सेलेजिनेला, इसको संजीवनी भी कहते हैं, लाइकोपोडियम जो एक तरह की मतलब अपने मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, होम्योपैथी की जो मेडिसिन आती है उनको बनाने में इस्तेमाल ली जाती है। फिर है स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा में एक एग्जांपल याद रखना है इक्विसिटम और उसको कहते हैं हॉर्स टेल। फिर आता है टेरोप्सिडा और इनके अंदर जितने भी मेंबर है उन सबको क्या कहेंगे, फर्न। अब इसमें कौन कौन से, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया और अपने कौन सी है, एजोला। एजोला अपनी एनसीईआरटी बुक में यहां नहीं लिखी हुई लेकिन एजोला एक बहुत फेमस एग्जांपल है। एजोला एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जहां एनोबिना क्या होती है, एनाबिना क्या होती है, एक बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो एजोला जो वहां पर होती है वो कौन सा होता है, एक टेरिडोफाइट, और कौन सा टेरिडोफाइट होता है, टेरोप्सिडा। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखा है इन सारों को क्या कहते हैं, फर्न, और इक्विसिटम को क्या कहते हैं, हॉर्सटेल। यही वजह है अपनी एनसीईआरटी बुक में जहां टेरिडोफाइट का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है वह फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि इसमें हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं, सही लिखा हुआ ना। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने, इसके अलावा और कोई एग्जांपल याद नहीं करनी। एक इंपोर्टेंस,
जहां टेरिडोफाइट का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है वहीं पर एक दो इंपोर्टेंस दे रखी है कि टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर जो होते हैं मेडिसिनल पर्पज से यूज होते हैं, ये एक सॉइल बाइंडर्स है और ऑर्नामेंटल्स है, मतलब इन्हें फैंसी प्लांट की तरह, सजावटी पौधों की तरह भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब था अपना डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में। तो अगले वीडियो में अपन करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, इसे अच्छे से लर्न कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।